क्यों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई कैंपस इंटरव्यू। राजस्थान जयपुर में आपको जेसीबी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्लांट देखने को मिल जाएगा। इसके लिए वैकेंसी जा चुकी है। जिन बच्चों ने आईटीआई कोर्स कर रखा है आईटी ट्रेड से, वो बच्चे इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। नौकरी ही नौकरी है वहाँ पर। रिक्वायरमेंट के माध्यम से आपको लिया जाएगा। सैलरी की हम बात करते हैं तो आपकी 20,985 रुपये सैलरी बनेगी। कंपनी द्वारा कैंटीन की सुविधा है, बस की सुविधा है, यूनिफॉर्म दी जाएगी, सेफ्टी शूज़ दिया जाएगा। मेल फीमेल कैंडिडेट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, ठीक है। या ओनली पुरुषों के लिए वैकेंसीज है। अनुभव है तो भी जा सकते हो। जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कैंडिडेट यहाँ पर शायद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस मांग रही है। कितनी तारीख को कौन से कॉलेज में जेसीबी कंपनी आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए चैनल को लो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन यहां पे मिलता रहे। प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाती है, चाहे गवर्नमेंट विभाग से वैकेंसीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसीज हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईटीआई जॉब 2021 पे जाओगे तो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी नेम। जेसीबी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाए सर है। जेसीबी कंपनी का जयपुर राजस्थान में प्लांट देखने को मिलेगा। राजस्थान में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन योग्यता रखी गई है, यानी योग्यता किन बच्चों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो आईटीआई कोर्स आपके पास होना चाहिए। आईटी कोर्स कौन सी ट्रेड से होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है, लगभग सभी ट्रेड यहाँ पे दे रखी है। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनलिस्ट, टूल डाई मेकर, टर्नर, डीजल मैकेनिकल, रेफ्रिजरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिकल, व्हीकल वायरमैन, इन स्टूडेंट के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ में हम बात करते हैं पास आउट, तो 2020, 2021 और 2022 के स्टूडेंट को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखें विशेष करके 2020, 2021 और 2022 के स्टूडेंट को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। चाहे प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसीज हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से वैकेंसीज हो, कम से कम 6 महीने का आपके पास अनुभव है या आपने किसी भी विभाग से अप्रेंटिस कर रखी है तो इस कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं। पास आउट का विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में हम बात करते हैं अनुभव का, तो कम से कम 6 महीने का हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से कॉलेज से आपने आईटी कर रखी है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से आपने आईटी कर रखी है, आप इस प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। अब हम नीचे बात करते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है लेकिन जो आपका बैक पेपर नहीं होना चाहिए, भी विशेष ध्यान रखें। जिन बच्चों ने आईटीआई कोर्स कर रखा है उनका लिविंग पेपर आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी पेपर आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ में 10th के अंदर 40% मार्क्स और आईटीआई में 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो साथ ही साथ में 18 से लेकर 24 वर्ष रखा गया है, 18 से 24 के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी रहेगी 20,830 रुपये प्रति महीना सैलरी देखने को मिल जाएगी। फैसिलिटीज़ में देख सकते हो फ्रेंड, 500 में प्रति महीना कैंटीन की सुविधा है और 850 रुपये में, यानी 850 रुपये में आपको बस की फैसिलिटीज अवेलेबल रहने वाली है जयपुर सिटी के अंदर। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट सभी साथ में लेकर जाने हैं, 10वीं मार्कशीट, आईटी मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सीवी, सभी डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज, कलर फोटो, सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहुंचना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपको कंपनी सिलेक्टेड करेगी। कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मंगला सिटी कलवारा रोड जयपुर राजस्थान में ये प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। कितनी जून को किया जा रहा है, 19 जून को किया जा रहा है शायद, यहाँ पे डेट ऑफ मैं बता देता हूँ, जैसे ही क्लिक करोगे लिंक पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ जो बच्चे जा रहे हैं, 22 जून को ये प्लेसमेंट किया जा रहा है, 22 जून को आप इस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है 22 तारीख को, ठीक है, 22 जून 2023 को सुबह 10 बजे ये कंपनी आ जाएगी। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य रूप से करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर रजिस्ट्रेशन करके पहुँचे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो।